पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड को डिटेल में समझा, उसके यूज़र इंटरफेस के बारे में जाना, एमएस पावर पॉइंट को डिटेल में समझा, उसके यूज़र इंटरफेस के बारे में जाना। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल को समझेंगे और उसके यूज़र इंटरफेस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए हम एक्सेल को ओपन करेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए एक तो हम यहाँ पर स्टार्ट में जाके यहाँ पे एक्सेल ओपन करने के लिए ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल ये आ जाएगा। यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं या दूसरा मेथड इसके लिए, जैसे यहाँ पे हमने एक्सेल को यहाँ पे टास्क बार में पिन किया हुआ है तो यहाँ से भी हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टास्क बार में एक्सेल को यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये जो हमारे पास आ जाएगा ये एक्सेल का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले हमारा ये सबसे ऊपर जो बार है इसको टाइटल बार बोला जाता है। तो टाइटल बार में जो लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पे दिया गया है इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार, अगर हम कोई भी काम जल्दी करना चाहते हैं, जैसे कोई भी फाइल है हमने अगर उसको सेव करना है तो हम फाइल पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अगर हमें अंडू करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। अगर रीडू करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रीडू हो जाएगा। या हम अपने हिसाब से इसको अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मोर बटन पे क्लिक करेंगे। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद सपोज करो यहाँ पे हम न्यू यहाँ पे लाना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखो न्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फिर ओपन का चाहिए तो ओपन पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे इसको तो ओपन का ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम और भी यहाँ पर इसको लाना चाहते हैं कुछ भी यहाँ से तो हम वो भी यहाँ पर ला सकते हैं, या अगर हम इनको हटाना चाहते हैं, जैसे ये हमने न्यू ये यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। ये देखो न्यू इसको अनचेक किया, ये हट जाएगा। अब ओपन है, इसको भी अगर यहाँ से हटाना है तो हम इसको अनचेक करेंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारी फाइल का नेम है बुक वन। इसके बाद ये जो है एक्सेल ये प्रोग्राम है कि हमने क्या ओपन किया हुआ है ये बताता है। ये राइट हैंड साइड में ये जो हमारे पास है साइन इन, अगर हमारे पास एमएस ऑफिस का अकाउंट है तो हम यहाँ से इसको साइन इन कर सकते हैं। इसके बाद है अगला है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटो हाइड रिबन, अगर हम रिबन को ऑटो हाइड करना चाहते हैं तो ये ऑटो हाइड हो जाएगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा। ये देखो ये जितना भी है ये टैब है ये रिबन है ये हमें दिखाई नहीं देंगे। ये देखो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया तो ये ऑटो हाइड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये ऑटो हाइड हो जाएगा। अगर हम ये इसको वापस लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद शो टैब्स, अगर हमें वापस जो टैब है वो वापस चाहिए तो हम शो टैब्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो टैब्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब टैब्स आ गए तो टैब्स आने के बाद इसकी कमांडें भी चाहिए, जैसे होम टैब है इसकी कमांडें चाहिए। तो हम इसको वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे टैब्स हैं ये जितने भी हैं फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूलास डाटा रिव्यू व्यू हेल्प, ये जितने भी हैं ये टैब्स हैं ये भी आएंगे और साथ में इसकी कमांडें भी आएंगी। ये देखो ये जो है ये टैब्स भी आ गए और ये इसकी कमांडें भी आ गई। ये देखो ये जितना भी है ये क्लिपबोर्ड है फॉन्ट है अलाइनमेंट है नंबर है स्टाइल है सेल है एडिटिंग है, ये होम टैब का ये रिबन है और जो रिबन होती है वो क्लिपबोर्ड, जैसे ये एक ग्रुप है
फॉन्ट दूसरा ग्रुप है, अलाइनमेंट तीसरा ग्रुप है। तो ये जो रिबन होती है ये ग्रुप्स से बनी होती है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है ये कमांड से बना होता है। ये देखो यहाँ पे जैसे कट है, ये कमांड कट कमांड है, ये कॉपी कमांड है, इसके बाद क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर कमांड है, फॉन्ट में इटैलिक कमांड है, ये बोल्ड कमांड है, ये अंडरलाइन कमांड है, ये सभी यहाँ पे कमांडें दी गई हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे जाके टैब्स को और इसकी कमांड्स को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगला है मिनिमाइज़। अगर हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक होने के बाद ये यहाँ पे मिनिमाइज़ होके टास्क बार में आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद है यहाँ पे रिस्टोर, ये यहाँ पे जो ओपन है ये मैक्सिमाइज़ है, इसको अगर रिस्टोर करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा। ये देखो रिस्टोर पे क्लिक किया, यहाँ पे ये रिस्टोर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, यहाँ से अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, या इसको यहाँ से मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ पूरी इसमें आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर, यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर एम एस एक्सेल को यहाँ से बंद करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्रॉस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो एम एस एक्सेल है यहाँ पे बंद हो जाएगा। इसके बाद है ये ए वन, जैसे ए वन कहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोला जाता है नेम बॉक्स, कि नेम बॉक्स जो हमारा सेल है वो कौन सा है ये बताता है। तो यहाँ पे ए वन सेल है। ए वन का मतलब क्या होता है, जैसे ए ये जो है ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेटिकली जितने भी दिए गए हैं इनको कॉलम बोला जाता है, और ये जो 1 2 3 4 ये जो दिया हुआ है तो इसको बोला जाता है रोज़। जैसे वन ये ए कॉलम की फर्स्ट रो है, जैसे सेकंड है ए कॉलम की सेकंड रो है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो नेम बॉक्स चेंज हो जाएगा। ये देखो सेकंड पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आ गया ए टू, तो नेम बॉक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड पे क्लिक करेंगे, तीसरी रो इसके यहाँ पे ए थ्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो तो ये ए थ्री यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखो ये क्या बता रहा है कि ए कॉलम है, ये कॉलम है, और थ्री जो है यहाँ पे रो है। तो हमारा ये जो सेल है यहाँ पे ए थ्री पे है। तो जो सेल होता है वो किससे बनता है, जो सेल होता है वो कॉलम और रोज से बनता है। इसके बाद अगर हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज़ करो ये जैसे सी ये कॉलम हमने सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सी कॉलम की हेडिंग में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखो ये सारा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम रोज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज़ करो ये थर्ड रो है, इसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम ये थर्ड की हेडिंग पे यहाँ पे रो की हेडिंग में यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये जो रो है पूरी ये सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद हमारे पास जो है वो है आगे, ये जो हो गया है नेम बॉक्स हो गया, इसके बाद यहाँ पे फार्मूला बार। अगर हम यहाँ पे कोई भी फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला बार पे लिखेंगे तो वो फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आगे है अगर हम ये पूरी शीट यहाँ पे इसको क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरी शीट जितनी भी है ये सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद अगर हम एक कॉलम इसकी जैसे ये विड्थ है इसको बढ़ाएंगे तो ये जितने भी कॉलम है इनकी सभी की विड्थ एक साथ बढ़ जाएगी। ये देखो जैसे ए ये हमारे कॉलम की ये जो विड्थ है इतनी है, इतने से लेके इतने तक का है। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं जैसे ये, तो इसको हमने विड्थ को बढ़ाया तो ये बढ़ गई, तो ये कॉलम ए की विड्थ नहीं बढ़ी, ये सभी जितने भी कॉलम है सभी की विड्थ यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने ये जितनी भी हमारी वर्कशीट है इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है सारी को।
तो इसके बाद अगर हम, ये तो सभी कॉलम की विड्थ बढ़ गई, इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो रो है इसकी हाइट हम बढ़ाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किया पहले, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया, इसकी हाइट को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। ये देखो ये हाइट बढ़ाई, तो ये बढ़ाने के बाद ये देखो जितने भी यहाँ पे रोज़ हैं सभी रोज़ की यहाँ पे हाइट बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम इंटायर यहाँ पे वर्कशीट को सेलेक्ट करके कॉलम की विड्थ या रोज़ की हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे अंडू करते हैं। ये इसके बाद ये जो हमारी बीच की जितनी भी है ये वर्कशीट है, वर्कशीट जो होती है इसमें कितनी रोज़ होती हैं और कितने कॉलम होती हैं, तो एमएस ऑफिस के वर्ज़न 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019 में जो हमारे पास रोज़ है वो है 10,48,576। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ है, तो हम कंट्रोल की और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। ये देखो कंट्रोल की और साथ में डाउन एरो की प्रेस की, तो ये प्रेस करने के बाद तो ये रोज़ हमारे पास आ जाएंगी। ये देखो 10,48,576 यहाँ पे रोज़ आ जाएंगी। अगर हम फिर ये हमारे पास रोज़ आ गई हैं, अगर हम पहली यहाँ पे रोज़ पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और अप एरो की यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। ये देखो फर्स्ट यहाँ पे सेल पे आ जाएंगे। इसके बाद इसी तरह अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम कितने हैं, तो हमारे पास जो कॉलम है वो है 16,384। तो ये कॉलम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल और इसके साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे। ये देखो ये प्रेस करने के बाद ये हमारे पास XFD, ये हमारा जो है लास्ट कॉलम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे 16,384 कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम पहले पे जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे, ए पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कॉलम को चेक कर सकते हैं और रोज़ को चेक कर सकते हैं। तो एक्सेल 2003 में हमारे पास जो वर्कशीट में टोटल रोज़ और टोटल कॉलम थे वो थे, जो हमारे पास रोज़ थी वो थी 65,536, और जो हमारे पास कॉलम थे एमएस एक्सेल 2003 में वो थे 256। इसके बाद वर्कशीट, ये हमारी वर्कशीट है, इसमें यहाँ पे शीट दे गई है। अगर हम और शीट चाहिए तो हम यहाँ पे न्यू शीट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो दूसरी शीट यहाँ पे आ जाएगी। ये यहाँ पे अंडरलाइन यहाँ पे शो कर रहा है ग्रीन अंडरलाइन कि ये जो है हमारी दूसरी वर्कशीट ओपन है। अगर और चाहिए हमें फिर यहाँ पे न्यू शीट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नई शीट आ जाएगी। और चाहिए फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नई शीट आ जाएगी। और चाहिए फिर ये शीट नंबर 5 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम शीट यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको न्यू शीट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट शीट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे कुछ लिखा, अब सेकंड पे क्लिक किया, ये देखो ये सेकंड शीट यहाँ पे ओपन हो गई है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा। इसके बाद थर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये थर्ड पे हमने कुछ लिखा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अलग अलग शीट में काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पे क्लिक किया ये फर्स्ट आ जाएगी, तो ये वर्कशीट को यहाँ पे हम बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये नॉर्मल व्यू है, इसके बाद अगला पेज लेआउट व्यू है, इसके बाद अगला पेज ब्रेक प्रीव्यू है, इसके बाद ये जो है ये जूम बार है, तो इसमें हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ये देखो ये जूम इन जूम आउट यहाँ से हम कर सकते हैं ये। इसके बाद हमारे पास ये जो है ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है,
यहाँ पे ये देखो, ये हॉरिजेंटल स्क्रोल बार यहाँ पे करना है या लेफ्ट हैंड साइड करना है, तो ये हॉरिजेंटल स्क्रोल बार के ज़रिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ये है वर्टिकल स्क्रोल बार, ऊपर नीचे का अगर हमने कुछ लिखा हुआ है उसको चेक करना है, तो ये देखो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रोल बार। तो इस वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के यूज़र इंटरफेस के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।